बिहार हो गया बिहार और करोगे ट्रैकिंग मुझे भी नहीं पता है कि इसके अंदर कैसे कैसे हिमालय से निकल के आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं दारमा वैली जाने के लिए। तो आंखें अभी तक अच्छे से खुली नहीं है, बस ऐसे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हमारे साथ, और सामान वामान हमने रख लिया है, सब लोग नीचे चले गए हैं। यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ आपको इस होटल से। तो उधर जो पहाड़ दिख रहा है ना, नदी पहाड़ जो दिख रहा है आपको, वो है नेपाल। नेपाल बॉर्डर लग जाता है यहाँ से। तो नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, तो कुछ ऐसा व्यू आ रहा है सुबह सुबह, देखिए। तो ये नेपाल बॉर्डर लग जाता है इधर से, और ये है धारचूला। तो लेट्स गो, और आपको आज दिखाते हैं दारमा वैली। पहुंच चुके हैं हम दुक्तू। तो ये है देखिए दुक्तू का, और सामने देखिए, वाह। तो गाइस मैगी वैगी खा ली है हम लोगों ने। अब हम दुक्तू से जा रहे हैं बेस कैंप, जो कि यहाँ से है 3 किलोमीटर। तो चढ़ाई है अभी हल्की फुल्की। तो डोना और कुकु को डोना ने पकड़ा है, और लोग आगे से जा रहे हैं। तो पीछे देखिए, ये पूरा गांव है, और सामने देखिए कुछ, इसका नाम यहाँ के लोग बोलते बौन, कुछ बौन पहाड़ी गाँव का नाम है यहाँ पर। और इस गाँव का नाम है दुक्तू, जो कि बहुत ही सुंदर वैली है। और इसके बाद आएगी दारमा वैली, और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, देखिए सब अपने काम पे बिजी हैं। और ये देखिए सामने पहाड़ी। तो अभी हमको बहुत चलना है, बस तो फटाफट चलते हैं। तो देखिए कुछ ऐसी ही वैली, सामने देखिए सारे बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ दिखेंगी आपको, और मेरी सांस जो है चढ़ रही है। कुछ इस टाइप का रास्ता है यहाँ से, हल्की फुल्की चढ़ाई, फिर नॉर्मल, फिर चढ़ाई ऐसे। और ये है यहाँ के गांव। तो इस टाइप की छतें होती, देखो यहाँ पाथर वाले मकान हैं। तो गाइस बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए तो ये चढ़ाई चढ़ना, क्योंकि ना यार मोटापा बहुत हो गया। और कुकु देखो अपने पापा के कंधे पे चढ़ के आ रहा है, वाह। पापा को देखो, हेलो करो पापा को, हेलो। तो दोस्तों
अभी 1.5 किलोमीटर चल के आ चुके हैं हम लोग और 1.5 किलोमीटर अभी और बचा है, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब थकान हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि थकान नहीं हो रही है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि थकान के साथ मज़ा आ रहा है, क्योंकि जितना ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे हैं उतनी खूबसूरती देखने को मिल रही है। तो पता नहीं आपको फ़ोन पे या वीडियो पे इतना अच्छा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, जितना मुझे यहाँ सामने से अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग, पता नहीं क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है इन पहाड़ियों के लिए मेरे पास कि मैं क्या बोलूँ। इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि अभी तो मैं बोलूँगी मनाली कुल्लू सब फेल हो गए हैं इसके सामने, क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता था कि हमारे उत्तराखंड में भी इतनी खूबसूरत जगहें हैं। तो देखिए सामने खूबसूरत नज़ारा, और आते रहिए हमारे साथ। और वीडियो बना रहे हो, और मुझे तो पता भी नहीं था कि हम दारमा वैली जाएंगे, इसे देखो चप्पल पहन के आई मैं क्योंकि गाड़ी से उतरना था नहीं, तो हमको लगा कि हम सिर्फ धारचूला जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो देखिए, लेकिन कोई नहीं, चप्पलों में भी अलग मज़ा आ रहा है। देखो यहाँ पे जगह जगह कचरे के लिए ऐसे बनाया है कूड़ा, यहाँ पे गंदगी नहीं करनी है, ऐसे जगह जगह पे ऐसे लकड़ी के साथ ऐसे कट्टा बांधा हुआ है। तो गाइस देखिए पांच पर्वत कितने सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पे, और बैटरी भी मेरी ख़त्म होने वाली है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है चार्जिंग के लिए, क्योंकि ये बेस कैंप भी बंद है यहाँ पे। और इसके बाद आगे 2 किलोमीटर आगे 0 पॉइंट है जहाँ पे हम तो नहीं जा रहे, शायद मेरी बहनें जाएंगी दोनों, हम लोग तो नहीं जा रहे बच्चों को लेके। वैसे मैं चली जाती लेकिन फिर वही हो जाता है बच्चों के साथ ना, बहुत दिक्कत हो रही है, ग्लेशियर का पानी भरने जा रहा है, क्या हो। तो यहाँ से देखिए पानी भर के ले जा रही हूँ मैं, और इतना ठंडा है ना, बर्फ भी क्या होता है इसके सामने, फ्रीजर भी फीका पड़ जाएगा इसके सामने, इतना ठंडा पानी है। सीधे हिमालय से निकल के आ रहा है, पंचाचूली का पानी है ये, तो ठंडा तो होगा ही गाइस, है ना, इतना ज़्यादा ठंडा, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा भैया, दांत ऐसे हो गए ना, फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओह थोड़ा सा नीचे आई थी मैं पानी भरने के लिए, तो ऊपर को चलती हूँ। दांत हाँ पीके दिखाओ कितना ठंडा है। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे हैं बेस कैंप सारे, और बंद, लेकिन ये बंद हैं सारे, और मम्मू दीपू और विनायरा जो है आगे चले गए हैं 0 पॉइंट पे, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो ये है देखो कुछ ऐसा है कि अभी बना नहीं है, तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, ठीक है, मुझे भी नहीं पता है कि इसके अंदर कैसे कैसे है, लेकिन कुछ ऐसा ही होगा यहाँ पे। ये है खुला, ये देखिए, तो कुछ ऐसा है यहाँ पे बेस कैंप, ये छत ऐसी है, और ये देखिए दो, एक खिड़की इधर है एक इधर है, और शायद ये डोर लगा नहीं है अभी, और चार्जिंग पॉइंट भी है यहाँ पे, लेकिन इस वाले में इस वाला ये वाला बना नहीं है। और कूड़ा देखो पता नहीं किस चीज़ ने बिखेरा, और यहाँ पे वॉशरूम है, और यहाँ पे है कोई नहीं,
और वो 0 पॉइंट जो है बहुत आगे है और वो बहुत आगे जा चुके हैं। यहाँ से देख भी नहीं रही कि वो कितने आगे गए हैं। और नीचे देखिए नदी बह रही है। और कल हमको घर पहुंचना है तो देखिए वो लोग आ जाएंगे उसके बाद हम लोग जाए। और अभी 12 बज रहा है, करेक्ट 12 हो रहा है और हम 9:30 बजे पहुंचे थे यहाँ पे नीचे दुकतु पे और वहाँ से हम 10 या 10:30 बजे निकले थे रास्ते। और अभी 12 बज चुका है तो देखो अभी हमको 1 घंटा नीचे जाने में लगेगा और उसके बाद वहाँ से हमको लगेंगे 5 घंटे धारचूला पहुँचने में। फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ से हमको सामा पहुँचने में। बस ब्लॉग को यही एंड करते। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। ऐसे नज़ारे कोई और नहीं दिखाता जो कुल पहाड़ दिखाती है। अंगूर खट्टे हैं जितना करी मेहनत उतना करी मेहनत। पीछे वालों ने कह दिया अंगूर खट्टे हैं, ऐसा होता है क्या? हाल हो गया बेहाल। और करोगे ट्रैकिंग? ठीक है क्या? ऐसा खड़ी चढ़ाई है जा, खड़ी चढ़ाई क्या करेंगे फैशन करके। हाँ मस्त, तुमको तो मस्ती आएगा, तुमको क्यों नहीं आएगा मस्त?